हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। रसगुल्ले किसको पसंद नहीं होते, और वही रसगुल्ले अगर घर पर बना लिए जाए ना, तो सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की एकदम आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी, ट्रिक्स शेयर करूँगी और टाइम भी शेयर करूँगी, ताकि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें ना, आपके जो रसगुल्ले हैं वो फर्स्ट ट्राई में ही एकदम परफेक्ट बने। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप रेसिपी को अच्छे से बना पाएंगे। और सारे टाइम ट्रिक्स टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना काउ मिल्क लिया है, तो ये 3.5% इसमें मिल्क फैट है, तो आप भी इसी दूध का रसगुल्ले बनाने में यूज़ करें। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक पतीला रख लिया है और उसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लिया है, ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। तो पहले तो हमें इसका ना छेना तैयार करना है, तो छेना किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और देखिए, यहाँ पर मैंने दूध जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये मैं 1.5 लीटर दूध से रसगुल्ले बना करके रेडी करूँगी। तो मिल्क फैट जो है वो 3.5% होना चाहिए, 4% तक भी चलेगा, काउ मिल्क का इसमें हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, दूध को ना हमें एक बॉईल आने देना है। तो देखिए, दूध में यहाँ पे बॉईल आने ही वाला है, तो मैं इसमें से ये कड़छी निकाल रही हूँ। बीच में मैंने एक बार दूध को चला लिया था, और जैसे ही दूध में बॉईल आएगा ना, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फिर दूध को ना 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका छेना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, दूध में यहाँ पे बॉईल आ गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है, और इसे 2 मिनट के लिए ना मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। गैस पे ही छोड़ दें, या काउंटर टॉप पर आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ना 3 टेबलस्पून विनेगर ले लिया है, तो यहाँ पे विनेगर से ना हम छेना बनाएंगे। आप इसकी जगह टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है ना, तो उसमें मैं 3 टेबलस्पून ही पानी ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है, पानी ज़रूर ऐड करें, डायरेक्ट विनेगर से दूध को ना फटाएं, अदरवाइज़ इसका जो खट्टापन है ना वो बहुत ज़्यादा छेने में आ जाएगा। तो देखिए, दूध यहाँ 2 मिनट मैंने रख दिया था, अब ये 2 मिनट ठंडा हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा थोड़ा ये जो विनेगर हमने लिया था ना, वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो एक साथ ऐड ना करें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और कड़छी घुमाते जाएं, तो दूध धीरे धीरे जो है ना वो कडल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फटना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमें इसी तरह से ना थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और दूध को फटा लेना है। तो छेना इस तरीके से बनाया जाता है। आगे आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे ना, तो आपको रेसिपी समझ नहीं आएगी, या कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाएगी, क्योंकि मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स ना आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एक भी टिप या ट्रिक छूट गई ना, तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। कई बार रसगुल्ले बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो वो मैं सब आपको बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने विनेगर ऐड कर दिया, लेकिन अभी जो दूध है ना वो पूरी तरह से नहीं फटा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर और ऐड करूँगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने पहले लिया, यानी कि 1 से 2 चम्मच विनेगर मैं लूँगी, और उसमें 1 से 2 चम्मच ही पानी ऐड करके इसमें विनेगर ऐड कर दूँगी। तो फिर हम दूध को अच्छे से कडल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने विनेगर ले लिया है, मैं आपके सामने ही यहाँ पे ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने और लिया है, और उतना ही ना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और फिर से इसे मैं दूध में ऐड करके दूध को अच्छे से फटा लूँगी, यानी कि कडल कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर रही हूँ, जब तक कि दूध और जो पानी है, यानी कि छेना और जो पानी है, वो अलग ना हो जाए ना, तब तक हमें इसे अच्छे से फटा लेना है। और देखिए, यहाँ पे जो छेना है वो बनना शुरू हो गया है, और आप एकदम से देखेंगे जो पानी है वो अलग हो गया है, और जो पनीर है वो अलग हो गया है। तो बेसिकली इसी तरह से ना पनीर भी बनाया जाता है, तो ये वही पूरा प्रोसेस है। तो ये पनीर जो है हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे पानी और जो पनीर है वो अलग हो गया है, एकदम परफेक्टली हमारा जो दूध है ना वो फट गया है। अब हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इस तरह से नीचे एक खुला बर्तन ले लेंगे जिसमें पानी निकाल पाएँ, और इस तरह से एक साफ़ कपड़ा जो है ना, हम इसे पनीर को निकालने के लिए ले लेंगे। और अब हमें पनीर को स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि छेने को स्ट्रेन कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पतीले में हमने छेना बनाया ना, उसे इसमें स्ट्रेन कर लेंगे।
छेना बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप घर पर बनाए हुए छेने से अगर रसगुल्ले बनाएंगे ना तो आपके जो रसगुल्ले हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है, तो इसी तरह से इसे धीरे धीरे छाने। देखिए पानी एक साथ ऐड ना कर दें, क्या होगा कि कई बार बाहर गिर सकता है, तो पहले इसे अच्छे से स्ट्रेन होने दें, फिर जो बचा हुआ है वो स्ट्रेन कर ले। तो जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, आगे गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो आप घर पर रसगुल्ले बनाएं एकदम शुद्ध प्योर, और आप इसका भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि घर पर बना रहे हैं, आपको पता है आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी पे भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणपति बप्पा को भी इसका भोग लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है, और ये जो पानी है ना, इसे आप आटा गूंदने में या फिर कढ़ी बनाने में या किसी दाल में, चावल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पनीर जो है हमने निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है ना, इसकी फर्दर कुकिंग को रोकना है। तो इसकी फर्दर कुकिंग को रोकने के लिए हम इसे ठंडे पानी से इस तरह से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो खट्टापन होगा ना विनेगर का, वो भी निकल जाएगा और इसकी कुकिंग भी रुक जाएगी। जितना ये कुक होता रहेगा ना, उतना ही जो छेना है वो हार्ड होता जाएगा। तो हमें तो रसगुल्ले बनाने हैं और छेना हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं चाहिए। तो इसे अच्छे से हमें पानी से वॉश कर लेना है। आप चाहें तो सिंक के ऊपर टैप के नीचे भी इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस तरह से पानी बॉटल से वॉश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी ना, अभी इसे टैप के नीचे अच्छे से धो लूँगी। तो देखिए मैंने इसे टैप के नीचे अच्छे से धो लिया, और अब आप देखिए हमारा जो छेना है वो बन करके एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इसे ना एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। तो इसे छोटे बर्तन में ना निकालें, अभी हम इसे बड़ी परात में ना निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे परात में निकाल लिया है, और इसके सारे पानी को भी हमें नहीं निकालना है, हल्का सा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, इतना ही हमें पानी को स्ट्रेन करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से जिस तरह से मैं अपने हाथ से मसल रही हूँ ना, बस उसी तरह से हमें इसे मसलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये एक टिप भी है कि इसे अच्छे से मसलें, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए हम जितनी देर तक इसे मसल सकते हैं, या जब तक हमारे हाथों में चिकनाई ना आ जाए ना, या जब तक ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसे मसलते जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे आराम से मसल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन इसे अच्छे से इसी तरह से ना हथेलियों से हमें मसलते जाना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ना, ये एकदम डो वाली कंसिस्टेंसी में जो है ना वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल जैसे एक आटे की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसी इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे आ गई है। तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए आराम से मसल लिया है, हाथों में चिकनाई महसूस हो रही थी। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक छोटा सा ना इसका बॉल बना करके देखूँगी, अगर क्रैक नहीं आ रहे होंगे तो हमारा छेना एकदम रेडी है रसगुल्ले बनाने के लिए। तो ये है दूसरी टिप। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आ रहे हैं, और अगर क्रैक आए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ऐड करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसमें कोई भी कॉर्नफ्लावर या मैदे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं एकदम छेने से ही ना मैं इसे बना रही हूँ, तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो लीजिए अब मैं इसे अच्छे से ना इस तरह से अपने हाथों में इसके बॉल्स बना लूँगी। तो बॉल्स ऐसे होने चाहिए कि क्रैक ना आए, और अगर आपको फिर भी लगे ना कि इसमें क्रैक आ रहे हैं, तो आप इस छेने में 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें और फिर से बॉल्स बना लें। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, हमारे बॉल्स एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स हैं ना वो बना करके रेडी कर लूँगी। इसी तरह से सारे रसगुल्ला बॉल्स जो है ना वो मैं बना करके रेडी कर लूँगी। तो क्रैक फ्री रसगुल्ला बॉल्स जो है ना वो होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने रसगुल्ले के बॉल्स बना लिए हैं, तो अभी ये मीडियम साइज़ के मैं बना रही हूँ, लेकिन जैसे ही हम इन्हें चाशनी में ऐड करेंगे ना, ये अपने साइज़ के 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे रसगुल्ला बॉल्स जो हैं वो बना करके रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल क्रैक फ्री, और हाथों में ना मुझे अभी भी चिकनाई लग रही है। अब एक पैन में मैं ऐड कर दूंगी चीनी। तो मैं यहाँ पे 300 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ, अगर कप या कटोरी से मेजर करेंगे तो 2 कटोरी या 2 कप चीनी, और इसमें 6 कप मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो मैं इस तरह के कांच के बर्तन में मेजर करके ऐड कर रही हूँ। पानी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, ताकि जो रसगुल्ले हैं ना वो अच्छे से चाशनी में डूब जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें 6 कप या 6 कटोरी पानी ऐड कर दूँगी।
तो चाशनी बनाते टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये एक और टिप है, तो इसका भी ध्यान रखें। 2 कटोरी चीनी, तो उसके लिए 6 कटोरी हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। और अब हम चाशनी को अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बीच में एक बार मैं इसे चला लूँगी। तो देखिए चाशनी में एक बढ़िया सा बॉयल जो है वो आ गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हलवाई भी ऐड करते हैं, वो है रीठा। तो रीठे को मैंने पानी में बॉयल कर लिया था और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून जो है ना वो रीठे का पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो देखिए अभी झाग नहीं बनी, तो 1 टीस्पून मैंने और ऐड कर दिया। और इसी तरह से मैं इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर दूंगी। अगर बड़े चम्मच से ऐड कर रहे हैं ना तो 2 टेबलस्पून ही आप इसमें ऐड करें। और अब मैं इसे ढककर झाग आने तक, जब तक इसमें ऊपर एक बढ़िया सा झाग ना आ जाए ना, तब तक मैं इसे बॉयल कर लूँगी। तो रीठा हलवाइयों का सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, वो इसे ज़रूर ऐड करते हैं रसगुल्ला बनाने में। इससे जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से पकते भी हैं और वो हार्ड भी नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सी झाग आ गई है ना, इस झाग को हमें मेंटेन रखना है, ये झाग कम नहीं होनी चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो रसगुल्ला बॉल्स हमने बनाए हैं ना वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो एक साथ ऐड नहीं करने हैं, ये भी एक ज़रूरी टिप है। एक साथ ऐड आप कर देंगे ना तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाएगा, और चाशनी का टेम्परेचर ही हमें यहाँ पर डाउन नहीं करना है। तो इसे हमें एक एक करके इसमें ऐड करना है। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हम इसे ना चेक करेंगे, बस एक बार मैं इसमें फ्लेवर ऐड करूँगी, तो मैं केवड़ा ऐड करूँगी, आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से ढककर ना हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, ना कम करनी है, ना उससे ज़्यादा बढ़ानी है, हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और देखिए मैंने कहा था ना केवड़ा एसेंस में इसमें ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है, जैसे कि मार्केट के रसगुल्लों में फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर देने के लिए। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए आराम से पकने दूँगी। तो आप धीरे धीरे देखेंगे जो रसगुल्ला बॉल्स हमने इसमें ऐड किए हैं ना, वो कितने छोटे साइज़ के हैं और उनका साइज़ एकदम से कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी अपने साइज़ से ये 3 गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और ये रसगुल्ले बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे, हमने इसमें कोई मैदा, कोई कॉर्नफ्लावर, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। बस आपको अच्छे से छैने को मसलना है और इसमें कोई क्रैक्स नहीं आने देने हैं। और फिर रीठा इस तरह से ऐड कर देंगे तो और भी बढ़िया है। रीठा ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड कर दें, तब भी ये झाग इस तरह से बन जाएगी। लेकिन रीठा जो है ना वो किसी भी पंसारी की दुकान पे या राशन की दुकान पे आराम से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 5-10 रुपये में आप रीठा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें बढ़िया से एक झाग बनने लग गई है ना, तो ये झाग इसलिए बनाई जाती है ताकि जो रसगुल्ले हैं वो ऊपर और नीचे से एकदम बराबर पके। तो जितना ये ज़्यादा झाग से इस तरह से ढक जाएंगे ना, उतने ही अच्छे आपके जो रसगुल्ले हैं वो बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से ना इस तरह से ढक दिया है और इसमें एक बढ़िया सा झाग भी बनने लग गया है। तो आप जो ढक्कन इसमें यूज़ करें ना, उसमें वेंट होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से मेरे ढक्कन में, आप कांच के ढक्कन में देख सकते हैं, वहाँ पे छोटा सा हॉल है जिससे जो स्टीम है वो निकल रही है, अदरवाइज़ जो चाशनी है ना वो बाहर आ सकती है। और 10 मिनट इन्हें पकते हुए यहाँ पे हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े ही अपने साइज़ में हो गए हैं और झाग इसमें अभी भी आ रही है। तो अब हमें क्या करना है ना, इन्हें हमें पलट लेना है। तो बहुत ही ध्यान से इन्हें पलटें, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इनका साइज़ देखिए आप, कितना इनका साइज़ जो है ना वो बढ़ गया है पहले से। तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और एग्जैक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से हलवाई ना इस रेसिपी को बनाते हैं। अक्सर हम घर पे जब भी रसगुल्ले बनाते हैं वो टाइट हो जाते हैं या चाशनी को अब्सॉर्ब नहीं करते, लेकिन ये पूरे टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे ना तो रसगुल्ले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। और दीजिए मैंने इसे दोबारा ढक दिया है 10 मिनट के लिए। तो देखिए झाग ये मेंटेन रहनी चाहिए, गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल भी कम नहीं की है, इस तरह का वेंट आपके ढक्कन में होना चाहिए, ना हो तो हल्का सा आप ढक्कन को खोल के रख दें ताकि चाशनी बाहर ना आए, अदरवाइज़ चाशनी के उबलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए कैसे जो रसगुल्ले हैं वो झाग में पक गए हैं और 10 मिनट यहाँ पर फिर से हो गए हैं। और अब जो रसगुल्ले हैं ना हमारे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये लग रहे हैं, कोई भी रसगुल्ला फटा नहीं है क्योंकि छैने को अच्छे से मसला गया था, छैना एकदम फ्रेश बनाया गया था। और लीजिए हमारे रसगुल्ले बनकर के रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो इन्हें खाने को तैयार करने के लिए ना अभी हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये बहुत गर्म है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कितने बढ़िया जो रसगुल्ले हैं ना वो बने हैं। तो इसे मैं ढक कर ना अभी 2 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ दूंगी।
तो मैंने यहाँ पे इसे ना एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है, देखिए। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया जो रसगुल्ले हैं वो लग रहे हैं, मुझे तो आपको बताते हुए भी ना मुँह में पानी आ रहा है। तो एक मैं आपको यहाँ पर ना स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ, देखिए एकदम बंगाली रसगुल्ला जिस तरह से मार्केट में मिलता है ना, देखिए। और अब मैं इसे बिल्कुल दोबारा चाशनी में डिप करूँगी और ये वापस से ना अपनी शेप ले लेगा। ये देखिए तो एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बन करके रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सारी टिप्स ट्रिक्स टाइम्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और लीजिए रसगुल्ले। यहाँ पे मैंने 2 घंटे के बाद चाशनी से निकाल लिए हैं, सर्व करने के लिए एकदम बढ़िया से रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बंगाली रसगुल्ले जो है ना वो बन करके रेडी हुए हैं। तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक रसगुल्ला मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, तो देखिए कितना स्पॉन्जी ये बना है। और देखिए अंदर की इसकी जाली आप देखेंगे ना, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी, देखिए। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।